चेक कर सकते हो भाई, शी गेट इट मैरिड मैन, कोई बोलने का कुछ भी नहीं है, चट मंगनी पट भी है प्रो। और मैं यहाँ पे ना बहुत मौसम लगता है ना भाई सामने, तो हमारा मेमोरीज वगैरह यहाँ पे भाई हमेशा रहेगा। प्रणाम 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 गौ माता, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हर जख्म भाई टाइम के साथ साथ भर ही जाता है। नहीं भाई मेमोरीज वगैरह है ना वो सिर्फ अभी वीडियो में ही है, बाकी फिजिकली भाई कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज देख के ना भाई मैं डिप्रेस हो गया हूँ पूरा। हमें छोड़ के चले गए उन लोगों को, मतलब रिग्रेट होना चाहिए। सो भाई घर पे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, क्या ही करूँ घर पे बैठे बैठे, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक मस्त वाला ब्लॉग शूट करता हूँ। और अपनी काली वहाँ पे प्यारी खड़ी हुई है, कुछ ही दिनों में अपने काली पे रैप चढ़ने वाला है। और ये जो ब्लैक देख रही है ना, ब्लैक ब्यूटी, ये कुछ ही और कलर में चेंज होने वाली है। लेकिन जो भी कलर में चेंज होगी मस्त लगेगी, लेकिन जो अपना ब्लैक ब्यूटी है वो ब्लैक रहेगा। आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, आने वाला है कुछ नया काली 2.0। इतने को भी मैंने अपना माना था, वो तो भाई छोड़ के चले गए, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा दे गए भाई। आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ क्या दे के गया मुझे। एक यही है मेरी प्यारी काली, और इन्फिनिटी उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। इन्फिनिटी घर पे है, काली मेरे साथ है, यही एक चीज़ है जो कि मेरे पास और मेरे दिल के करीब हमेशा रहेगा, और जो कि मेरे को कभी भी धोखा वगैरह नहीं देगा। ये राइड करते करते हम लोग कुछ इस टाइप की लोकेशन पे आए थे, अभी घर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा मूड सही हुआ है राइड करने के बाद। लेकिन जो चीज़ मेरे पास है ना भाई, उसको आप देख के ना खुद ही शॉक्ड हो जाओगे। कुछ फ्रेंड के थ्रू मेरे पास वो चीज़ आया है, मैं तो भाई खुद ही देख के शॉक्ड हो गया था। भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग में अगर मैं दिखा दूँ ना, आप लोग भी दुखी हो जाओगे, मैं वो नहीं चाहता हूँ। बाकी आप लोग व्यू वगैरह थोड़ा चेक करो, और प्लस हमने अभी तक इंट्रो ही नहीं बोला। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू फ्रेश मोटो व्लॉग। आप सभी को जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, और गाइज मस्त होने भी चाहिए। जैसा भी सिचुएशन हो इंट्रो अपना मस्त देना ही पड़ता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये जो ब्लैक वाला बादल है ये सूर्य देवता को ढक दिया है, तो थोड़ा क्लाउडी हो चुका है अभी। बाकी ये जब हट जाएगा ना, तो सनसेट यहाँ से काफ़ी कमाल का लगेगा भाई। आज मेरे पास जो चीज़ आया है ना भाई, उसके रिगार्डिंग मैं प्रो को एक बार कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बात वगैरह तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे रुक के मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। एक बार व्यू चेक मारो, कितना ऑसम लग रहा है ना यहाँ से व्यू, पूरा बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकने का कहीं पर दिल ही नहीं करता भाई अभी। भाई मैं आप लोगों को मेरे सैड सैड स्टोरी से ना बोर नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से जब भी मैं ब्लॉगिंग करने के लिए अभी निकलता हूँ ना, पहले काली को चला लेता हूँ 10-15 किलोमीटर तक, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो जो भी हो रहा है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर भी पड़े। मेरे साथ तो भाई अभी ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ और कुछ शॉकिंग न्यूज़ मेरे सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग भाई इसको ना भाई मशीन बोलेंगे, लेकिन भाई मैं इसको कभी भी मशीन नहीं बोलूँगा, बिकॉज एक राइडर, एक बाइकर हमेशा अपने बाइक को ना मशीन कभी भी नहीं समझता, ये अपने लाइफ का पार्ट समझता है। और वही मैं भी भाई ये अपने लाइफ का पार्ट समझता हूँ, क्योंकि ये ना भाई कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देगी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। इंसानों का क्या है, इंसान तो भाई आते हैं जाते हैं। भाई कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना, चेक मारो गाइस, चेक मारो कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और ऊपर से अपनी काली प्यारी रानी, भाई यहाँ पे रुकने का एक ही रीजन है प्रो, और मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग किए हैं, मतलब प्रैंक्स हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा किए हैं भाई। ये जो जगह है ना भाई, ये तो एक ना एक टाइम पे भाई ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन ही जाएगा, लेकिन ये जो हमारा मेमोरीज वगैरह है यहाँ पे भाई हमेशा रहेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवाना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आया है। ये चेक करो, अभी सही से आ रहा है, चेक कर सकते हो भाई, शी गेट इट मैरिड मैन, कोई बोलने का कुछ भी नहीं है। मैं प्रो को यहाँ से एक बार कॉल करने वाला हूँ भाई, तीसरा टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी पिक नहीं कर रही है। सामने की तरफ एक बार चेक मारो भाई, ZX10R आ रहा है भाई, कितना ऑसम लगता है ना भाई सामने से। अभी तो भाई मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि सॉर्ट आउट करने का जो भी टाइम था ना वो भाई चला गया। बरेली की बर्फी अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आयुष्मान भैया ना बोलते हैं कि भाई आई लव यू बोलने का मौका चला गया, वैसा ही है भाई, अभी सॉर्ट आउट करने का मौका जो है ना वो चला गया। ये बोलते हैं ना चट मंगनी पट भी है, वैसा वाला सीन हो गया, मतलब मेरे से गुस्सा थी, क्यों गुस्सा थी मुझे भी नहीं पता। रीज़न में ढूंढने के लिए गया, वहाँ पर हो गया भाई खतरनाक वाला झगड़ा, उसके बाद तो कुछ दिन फिर से गायब हो गई, और देन ये चीज़ मेरे सामने आया।
मतलब लड़कियों के साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है कि गायब हो जाओ और उसके बाद शादी वगैरह कर लो, एंड देन फोटो सर्कुलेट होते होते मेरे पास आगे पहुंचा और आने के बाद तो भाई ऐसा ही सीन हुआ। इसी वजह से भाई मैं बोल रहा था ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये भाई इमोशन है। जब तक आप खुद नहीं छोड़ते हो ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी भाई। ऐसे ही भाई मूड का भाई सत्यानाश होके रखा है, बाकी ये सब चीज़ देख के तो भाई और भी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या करे, जब नसीब ही हो खोटा तो भैया क्या करेगा लोटा। यहाँ पे देखो ट्रैफिक लग चुका है, मतलब ट्रेन वगैरह आ रहा है। और अच्छा खुल चुका है भाई, खुल चुका है, ट्रेन तो आगे चला गया। कोई देखते हैं अपन भी यहाँ से निकलते हैं। ये देखो भाई टू व्हीलर होने का फ़ायदा, सब गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई है और मैं पट से निकल आ गया। चलो भाई दीपोर बिल को तो साफ कर लिया है फुल पावर, साफ होने से भाई दीपोर बिल अच्छा लगता है। बाकी अगर कचूरी पाना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, कचूरी पाना अगर जम जाता है ना भाई, दीपोर बिल देखने में एकदम ही सही नहीं लगता। आप लोगों को दिखाता हूँ सामने से, देख रहे हो पूरा कचूरी पाना यहाँ पे जम चुका है, तो एकदम ही सही नहीं लग रहा है। बाकी उस साइड पर पूरा क्लीन कर दिया है तो अभी सही लग रहा है। यहाँ पे भी हम लोग आके बैठते थे भाई, जितने भी भाई मेमोरीज वगैरह है ना वो सिर्फ अभी वीडियो में ही है, बाकी फिजिकली भाई कुछ भी नहीं है। सामने की तरफ भाई देख रहे हो कितनी सारी गौ माता है आ रही है, प्रणाम गौ माता। लाइफ में भाई क्या करना है नहीं पता, लेकिन इतना पता है भाई जो भी करना है भाई खुद को करना है और खुद के दम पे करना है भाई। ऐसा लग रहा है भाई कहीं मैं बाहर वगैरह चला जाऊँ, वैसा बाहर वगैरह नहीं, क्योंकि घर पे भी अपना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है ना, लड़की के चक्कर में तो भाई सब कुछ छोड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ ट्रिप वगैरह मारने के लिए चले जाऊँ, रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा मेरे के लिए। भाई सामने की तरफ चेक करो, और भी सारे गौ माताएँ आए हैं, प्रणाम 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 गौ माता, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, छोटे छोटे बच्चे भी है। लेकिन आज राइड करके भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीछे ना पूरा सन है और आगे की तरफ भाई पूरा आ रहा है ना वीडियो फुटेज वगैरह, होप सो सही आ रहा होगा और आप लोगों को ब्लॉग में भी अच्छा लग रहा होगा। तो भाई मैं वही चीज़ बोल रहा था, यहाँ पे देखो बिल्ली मौसी ने रास्ता काट दिया है, सभी बैडलक हमारे पीछे आ गए भैया, क्या ही बोले, डिप्रेस हो गया हूँ मैं। यही नहीं बोलूँगा भाई मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, लेकिन ये सब चीज़ देख के ना भाई मैं डिप्रेस हो गया हूँ पूरा। एक सिर्फ आप लोग ही हो जो कि कमेंट करके ना भाई आपके भाई को मोटिवेट वगैरह कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर देट, आप हो और ये मेरा काली है और मेरे अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे हैं भाई, और आप भी भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, तो आप लोग ना हमेशा मेरे साथ में रहना, मेरा ख़राब टाइम हो या अच्छा टाइम हो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में रहना। बस एक चीज़ भाई हुआ है, मैंने अभी अभी महसूस किया है भाई, प्रो ना क्यूट स्ट्रेंजर गर्ल बन के आई थी हमारे लाइफ में और क्यूट स्ट्रेंजर गर्ल बन के चली गई। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जैसे वो आई थी ना मैं उसको पहचानता नहीं था, वो अचानक से मेरे सामने आ गई थी, वैसे ही अभी भी मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, अचानक से मुझे अकेला छोड़ के चली गई। तो क्यूट स्ट्रेंजर गर्ल बन के आई थी, क्यूट स्ट्रेंजर गर्ल बन के चली गई। चलो भाई कोई ना, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, क्या लेके आए थे दुनिया में और क्या ही लेके जाएंगे। सिर्फ आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना तो प्यार लेके जाएंगे भाई। और ये फोटो देख के ना भाई मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया हूँ ना, तो मेरे हिसाब से मैं गलत छलत अगर कुछ बोल दूँ तो माफ़ करना आपके भाई को, क्योंकि मेरा अभी दिमाग ना जगह पे नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं खुद को काम में रखूँगा तो सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा सब कुछ, इसी वजह से भाई मैं अपने आप को काम पे रख रहा हूँ। अगर मैं ब्लॉग करता रहूँगा, एडिट करता रहूँगा, अपने गाली को राइट करता रहूँगा तो सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं रहता जो कि टाइम के साथ साथ भर नहीं जाए, तो हर ज़ख्म भाई टाइम के साथ साथ भर ही जाता है, सिर्फ अपनों का साथ चाहिए, और वो जो अपना है ना भाई आप लोग ही हो, तो आप लोग साथ में रहना। इस ब्लॉग में भाई बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी चीज़ बोलूँगा ना भाई इमोशनल होके बोलूँगा, अगर मैं ज़्यादा इमोशनल वगैरह हो जाऊँगा तो भाई बाद में ब्लॉग में रो दूँगा और मुझे वो चीज़ दिखाना नहीं है, क्योंकि आपका भाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ भाई अभी के टाइम के लिए थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका हूँ, लेकिन मैं खुद को हमेशा स्ट्रांग मानता हूँ, ये सब चीज़ मुझे डिमोटिवेट नहीं करेगी, मुझे आगे जाने के लिए भाई पुश करेगी। इसी बात के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहता हूँ, बाकी हम मस्त मस्त वाली राइड करेंगे एक साथ, आप लोग बस साथ में रहना। तो कुछ भी अगर अच्छा लगा होगा तो भाई ब्लॉग को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, कमेंट का लाइक करो या ना करो भाई, कमेंट करना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। बाकी प्रो को ना भाई हेट मत दो, वो जो भी है जैसी भी है अपने लाइफ में खुश है तो खुश रहने दो, उसको मैसेज वगैरह मत करना भाई, एक प्यारा सा कमेंट कर देना आप लोग, सही है। बाकी चैनल पे गाइस जो भी नए हो फटाफट जाओ 70K तक पहुँचा, तो अभी बोलता हूँ भाई 100K तक पहुँचा दो और लोगों को दिखा दो भाई
जो कि हमारा फैमिली है, जो कि हमारा AK आर्मी है भाई, कितनी स्ट्रॉन्ग है। लोग हमें छोड़ के चले गए, उन लोगों को मतलब रिग्रेट होना चाहिए कि भाई हमने हीरे को छोड़ा है भाई। बाकी फुल पावर रैप तो हो जाएगा अपने काली में, तो फटाफट 70K तक पहुँचाओ और 100K भी तक हम लोगों को जल्दी से जल्दी पहुँचा दो भाई। शेयर करो हर जगह पर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और खुशियाँ बांटते रहो डियर्स। बाय बाय।